हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल के ऐप्स के साइज को छोटा या बड़ा कैसे कर सकते हैं और उसके डिज़ाइन को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने मोबाइल के ऐप्स को छोटा या बड़ा साइज में करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऐप्स के साइज को छोटा या बड़ा करने के लिए आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर सर्च मारना है होम स्क्रीन। तो चलिए हम सर्च मारते हैं होम स्क्रीन। होम स्क्रीन सर्च मारने के बाद आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा होम स्क्रीन। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर होगा आइकन साइज, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि हमारा ऐप्स यहाँ पर आ गया है। तो दोस्तों, इसके साइज को छोटा या बड़ा करने के लिए हम यहां से इसे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से अभी ये छोटा है और इसे बढ़ाने पर ये बड़ा हो रहा है। तो दोस्तों, आप यहां से इसके साइज को जितना भी रखना चाहते हैं तो आप यहां से रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ से इस ऐप्स के साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है होम स्क्रीन लॉयट। तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक 4:6 और एक 5:6। 4:6 का मतलब यह है कि आपका ऐप्स का डिज़ाइन में रो में 4 ऐप्स रहेगा और कॉलम में 6 ऐप्स रहेगा, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। और 5:6 का मतलब यह है कि आपका ऐप्स रो में 5 रहेगा और कॉलम में 6 रहेगा, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसको भी आप अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आप अपने मोबाइल के ऐप्स के साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं और उसके डिज़ाइन को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।